हेलो एवरीवन, हम डीपीपी नंबर फर्स्ट करने के बाद सेकंड पे आए हैं। हो सकता है डीपीपी फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए हो। मैं बस ये बात कहना चाहूंगा कि मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है, कभी कभी बादल की बदली सूरज पर भी छाया करती है। हम ट्राई करेंगे कि डीपीपी सेकंड के सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिलो फिगर फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट लाइंस ऑफ फोर्स, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अपने को इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन ए में देखो बच्चों, अपने को कह रखा है कि फिगर वन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये कह रहा है कि जो फर्स्ट फिगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है, आउटसाइड द मैग्नेट वो चलती है नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। सेकेंड ऑप्शन है फिगर बी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें देखो बच्चों नॉर्थ टू साउथ तो जा रही है पर साउथ टू नॉर्थ वापिस नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इफ अ सॉफ्ट आयरन पीस इज बरीड अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देन क्वेश्चन में कहा गया कि अगर हम अर्थ के अंदर कोई एक सॉफ्ट आयरन के पीस को दबा दे, दफना दे, बरीड कर दे तो क्या होगा। तुम्हें पता है बच्चों अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अर्थ के अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चलता है, जिसकी वजह से जो ये वाला जो हमारे पास ये पीस था ना, जो आयरन का जो पीस था, सॉफ्ट आयरन का पीस था, वो भी मैग्नेट बन जाएगा। हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, इट विल एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। थर्ड क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल। तो एक्चुअली में ये एक यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स वेक्टर होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, वेक्टर। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट टेस्ला, एसआई यूनिट टेस्ला किसकी, टेस्ला किसकी एसआई यूनिट है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, ये याद रखना है, और ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बच्चों ये ऐसा यूनिट है। अब बात आती है सर सीजीएस यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की सीजीएस यूनिट होती है गॉस, जी ए यू डबल एस, और वन टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10^4 गॉस, या उल्टा करें वन गॉस जो है वो 10^-4 टेस्ला होता है, तो इसमें यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अटैच्ड बाय मैग्नेट, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो बच्चों ब्रास विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैग्नेट जो होती है वो आयरन, निकिल, कोबाल्ट, स्टील, इनको इजिली अट्रैक्ट कर लेती है। जो मैग्नेट है वो कॉपर को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ब्रास को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, एल्यूमिनियम को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ये ध्यान रखना। तो इसमें ब्रास ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन of force produced by passing a direct current in a conductor is, in this question they are saying अगर किसी एक स्टेट या किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास कर रहे हैं तो अपने से ये पूछा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी। बच्चा अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, इसके अराउंड सर्कल बनाती है, जो कि हम राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हैं, तो इसीलिए सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सराउंडिंग द कंडक्टर एंड सर्कुलर इन नेचर, हेंस ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, अ करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर अबव इट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा डीपली ध्यान से समझना होगा। देखो अपने को हमें पता है कि ये हमारे पास होता है यहां पर ईस्ट डायरेक्शन हम लेट करते हैं, यहां वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ लेते हैं, ये साउथ। ये बच्चों तब है जब नोटबुक हमारे हम सामने बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर यही चीज को नोटबुक पे देखेंगे तो ये इस तरह से बनाना पड़ेगा, जिसमें ईस्ट जो है वो यहां आ जाएगा, वेस्ट यहां, नॉर्थ अंदर की तरफ और साउथ बाहर की तरफ। इस बोर्ड में बन नहीं पाएगा, आप ऐसे अज्यूम कर लो हमारे पास, लेट इस केस में देखते हैं ऊपर की तरफ यहां पर था नॉर्थ, यहां नीचे साउथ, देन यहां पर हमारे पास था ईस्ट, ईस्ट यहां था वेस्ट, ये तो साफ साफ अपने को दिख रहा है, लेकिन जब आप नोटबुक में देखोगे तो ये इस तरह से शिफ्ट हो गया। अब जो नॉर्थ साउथ है वो नॉर्थ अंदर की तरफ, साउथ बाहर, और जो ईस्ट है वो चला गया वहां, और वेस्ट है ये, मतलब जो ये फिगर था इसको जस्ट मैंने यू बनाया।
अगर आप इसको ध्यान से समझो ना बच्चों, वो कह रहे हैं 1 मीटर अबव, और जो करंट है वो कहां जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो करंट है वो जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। देखो बच्चों, वेस्ट से ईस्ट करंट जा रहा है, ये लेट ईस्ट है, ये वेस्ट है, और नॉर्थ मैंने कहां की ओर बनाया है, अंदर की तरफ, साउथ बाहर। ये भी हमारे पास डायरेक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं। अब जब मैं इसके ऊपर देखूंगा तो ऊपर यहां पे आ गया, करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, तो ऊपर वाला पॉइंट देखो इसके अंदर वो कहां की ओर आएगा, बाहर की तरफ। फिर से सुन लो, लेट ये हमारे पास है, ये वाली डायरेक्शन थी ईस्ट, ये वेस्ट, ये ईस्ट, जैसा दिखा है। अब ऊपर ये वाला पॉइंट आ गया बच्चों, अगर मैं थंब को रखूंगा उधर, तो मेरा हाथ जो है फिंगर का कर्ल कहां की तरफ आ रहा है, बाहर। बाहर वाले डायरेक्शन क्या बोलेंगे, नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि अंदर नॉर्थ था, बाहर साउथ, तो नॉर्थ टू साउथ। इसलिए जो हमारा आंसर है, दैट विल बी नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन। होप सो बच्चों ये समझ आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। चूज करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सेक्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इन क्वाड्रेंट्स के अंदर। अपने को फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपने को बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी। ये एरो को मैं अच्छे से बनाता हूं, हो सकता है कि वीडियो में ना हो, क्लियर आ रहा हो तो मैंने ये बना। बच्चों चलो अब हम फर्स्ट सेक्शन में देखते हैं। फर्स्ट सेक्शन के अंदर जो ऊपर की तरफ करंट जा रहा है वायर में, इसको वायर के भी मैं नेम दे देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। लेट ये वाली वायर ए है जो डाउन से अप जा रही है, और जो राइट टू लेफ्ट जा रही है वो वायर बी है। वन वाली ए वाली वायर की वजह से क्वाड्रेंट वन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इनवर्ड, और बी वाली वायर की वजह से कहां होगा, आउटवर्ड। हम आप कह नहीं सकते कि किसकी वैल्यू ज्यादा है करंट की, ए वाली वायर में करंट ज्यादा है या बी में ज्यादा है, इसीलिए हम कहेंगे एक का मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है ए वाली वायर का, और बी वाली वायर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो हम ए में तो फर्स्ट सेक्शन में बता नहीं सकते कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा। अब हम आते हैं सेकेंड सेक्शन की ओर। देखो बच्चों, बी वाली वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, आउटवर्ड, बाहर आ रहा है। देखो क्योंकि जब करंट वहां जा रहा है ऊपर रखी हुई, तो हर पॉइंट कहां आएगा, बाहर की तरफ। इस पे आ जाते हैं, जब हम ए सेक्शन के ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, ए वाली वायर की वजह से देखेंगे, इसकी वजह से भी सेकंड क्वाड्रेंट में कहां है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। देखो हमने इस तरह से होल्ड किया कंडक्टर को जिसमें करंट ऊपर था, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर। तो बी मतलब सेकंड सेक्शन के अंदर ए वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर था, बी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर था, तो नेट क्या आ जाएगा, आउटवर्ड। तो हम इतने से ही देख लेते हैं सेकंड में आउटवर्ड किसमें कह रखा है, सेकंड में आउटवर्ड जो है वो ऑप्शन सी में कह रखा है। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए हम अब थर्ड में और फोर्थ में जाके वेरीफाई करते हैं। सेक्शन थर्ड में जब आप जाएंगे बच्चों, जो ए वाली वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड तो कहां होगा, बाहर की तरफ। देखो ए वाली वायर का मैग्नेटिक फील्ड कहां आता है, बाहर की तरफ, और जो जो वायर बी थी उसमें करंट जा रहा है उधर की तरफ, वहां रखा। नीचे वाले सारे पॉइंट्स कहां जाएंगे, इनवर्ड। तो थर्ड सेक्शन के अंदर एक तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा था ए वायर का, और बी का कहां रहा था, इनवर्ड। इसलिए इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते कौन जीतेगा, क्योंकि करंट की वैल्यू नहीं दे रखी। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं बच्चों, देखिए करंट था ऊपर ए वायर में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इनवर्ड। और बी का भी देखो, बी मतलब बी वायर पे से करंट वहां था, फोर्थ इसके नीचे वाला सेक्शन है उसमें भी करंट कहां, मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, इनवर्ड। तो ए वाली वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड, बी वाली वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड, तो नेट फोर्थ में कहां आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो देखो फोर्थ में इन्होंने कह रखा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, सेकंड में आउटवर्ड, थर्ड और फर्स्ट में हम कुछ कह नहीं सकते, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टीपीपी, ए ट्रांसमिशन लाइन कैरीज ए करंट 100 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एट ए डिस्टेंस 1 मीटर बिलो द वायर। माई डियर स्टूडेंट्स, दे आर सेइंग कि कोई एक वायर है जिसको हम बोलते हैं लाइन वायर, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, और अपने को ये कह रखा है इसमें करंट दे रखा है 100 एम्पियर। बच्चों मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, वो लर्न करना पड़ेगा। पहली बात तो इधर और इधर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड कभी भी नहीं होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा। वो नीचे की तरफ कह रहे हैं, नीचे कितने डिस्टेंस पे, डिस्टेंस अपने को गिवन है 1 मीटर बिलो, इससे 1 मीटर नीचे जाना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
आई बाय डिस्टेंस। अब इस पूरा ये कॉन्स्टेंट है, इस पूरे की वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁷। ये लर्न करनी पड़ेगी। इनटू में करंट है हमारे पास 100, डिवाइड में जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू अस 1 मीटर। व्हेन वी विल सोल्व वी विल गेट द आंसर 2 × 10⁻⁵। क्योंकि ये 100 था तो ये 2 माइनस का 2 पावर कम हो जाएगी, -5 बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो वीक बच्चे हैं वो इसको छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा टफर साइड पर चला जाता है। होप्स तो आपको डीपीपी नंबर सेकंड के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम मिलेंगे डीपीपी नंबर थर्ड के साथ। फिर भी अगर कहीं पर डाउट रहे तो मेरी वो लाइन याद रखना कि मेहनत भी हारा करती है, खोया और पाया करती है, कभी कभी बादल की बदली सूरज पर भी छाया करती है। थैंक यू सो मच।